देना होगा 200 का 98,000 पड़ेगा सर। 98 ऑनर सी फर्स्ट गाड़ी क्या देना होगा जावा का 115,000 पड़ेगा, 120,000 पड़ेगा। और हमारे यहाँ फाइनेंस स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया, सुन के हमको अच्छा लगा। इसीलिए आलोक भैया मुझे कॉल किया कि जल्दी एक वीडियो शूट करना है। और उसका 110,000 पड़ेगा, एक प्राइस पड़ेगा 118,000। 118 क्या देना होगा इसका 118,000 पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आपका भाई एक बार फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो लेकर आ गया है। धमाकेदार होने की खास वजह यह है कि आपका भाई जो इस सेकेंड हैंड की वीडियो लेकर आया है, बाइक की वीडियो, यहाँ पे व्हीलर डीलर जो शोरूम है यहाँ पे भी अब फाइनेंस स्टार्ट हो गई है। इसी खुशी से मैं वीडियो लेकर आया। मुझे आलोक भैया ने कॉल किया कि यहाँ फाइनेंस स्टार्ट हो चुका है, रीफाइनेंस मतलब स्टार्ट हो चुका है, जो लोग लेना चाहते हैं उसके लिए वीडियो शूट कीजिए। तो मैं आ गया हूँ, ये पड़ता है कोकर चौक रांची में। शोरूम का नाम है व्हीलर डीलर, जहाँ पे हर तरह के स्पोर्ट्स बाइक के कलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आज का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा, हर वो गाड़ी आपको दिखाने वाले हैं जो लोगों का सपना होता है, सारा बाइक आज आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी कंटिन्यू मिलती रहेगी। और आज हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे आलोक भैया, जो कि देने वाले सभी गाड़ियों का डिटेल। आलोक भैया वेलकम है आपका हमारे। आप कैसे हैं बताइए? ठीक है भैया, आपने याद किया, बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा कि आपके पास रीफाइनेंस स्टार्ट हो गया। बताइएगा लोगों को पहले आपका शोरूम कहाँ पे, लोकेशन समझा दो, उसके बाद शोरूम झारखंड आना पड़ेगा। सबसे पहले झारखंड में रांची आना पड़ेगा, रांची बाद कोकर चौक, कोकर चौक से आगे पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोल पंप, उसके बगल में देखिए WD का बोर्ड होगा, बहुत बढ़िया डीलर के नाम से बोर्ड है। और हमारे यहाँ फाइनेंस स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया, सुन के हमको अच्छा लगा। इसीलिए आलोक भैया मुझे कॉल किया कि जल्दी एक वीडियो शूट करना है। और फाइनेंस कहाँ तक हो जाएगा आलोक भैया? 100 किलोमीटर रांची के रेंज में, मतलब यहाँ रांची से 100 किलोमीटर का रेंज में फाइनेंस हो जाएगा। और डाउन पेमेंट कितना करना होगा? डाउन पेमेंट गाड़ी के हिसाब 1,00,000 रहे तो कम से कम 50% देना पड़ेगा। मतलब 1,00,000 की गाड़ी है तो कम से कम 50,000 दीजिए और ले जाइए। कम भी हो सकता है, निकालते हैं अपना वैल्यू उसके बाद। मतलब जैसा गाड़ी उस हिसाब से डाउन पेमेंट लगेगा। ठीक, और चलिए फाइनेंस के बारे में, पेपर के बारे में भी जानेंगे लास्ट में कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे जिससे आप यहाँ पे कोई भी बाइक परचेज कर सकते हैं रीफाइनेंस के थ्रू। उससे पहले जानेंगे आज कौन सी गाड़ियाँ दिखाएंगे। KTM दिखाएंगे, NS दिखाएंगे, पल्सर दिखाएंगे, हिमालयन दिखा देंगे। रॉयल एनफील्ड के दो दो, एक जावा एक हिमालयन। हिमालयन मतलब आज का वीडियो अच्छा होगा। स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा सबसे सस्ता? स्टार्टिंग 58 पड़ेगा आपको, CVR में 58। अगर उसको लेना चाहे तो 30,000 दे के ले सकते हैं, 25 से 30,000 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। हेलो भैया, हमारी पहली गाड़ी हो जाएगी ड्यूक 125, डिमांडेड बाइक 125 है जी। ये बोकारो का नंबर है, नंबर देख लो, ये बोकारो का है, बहुत अच्छा जगह का नंबर है। बाकी गाड़ी ऐसे कंडीशन है जी। ये कौन से साल की बोले? 2019 का मॉडल है। कितना चली होगी अलग? ये चले हुए आई, आपको दिखा रहा मीटर, आपको देख लीजिए मीटर में, दिखाता हूँ आपको 19,373 किलोमीटर चलेगा। ऑनर की फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। कितना देना होगा अलग भैया? इसका प्राइस पड़ेगा 118,000। 118,000 मतलब कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा, आने के बाद हो जाएगा, देख लीजिएगा। 118,000 में भी कम हो जाएगी। हमारी अगली बाइक हो जाएगी पल्सर 150, जो कि माइलेज के लिए अच्छा, बहुत अच्छा गाड़ी है। बताइए भैया ये कौन से साल की होगी? ये 2018 के मॉडल है। ये कितना चली होगी? ये चली हुई आपको सामने, आप मीटर देख लीजिए सब गाड़ी। कस्टमर कोई डाउट नहीं रहेगा, इसका मीटर पूरा दिखा दे रहा है। कितना चला हुआ है? 17,561 किलोमीटर चला हुआ है। ओनरशिप क्या हो जाएगी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कौन से साल की बोले? 2018 का मॉडल है। धनबाद नंबर, धनबाद नंबर। ओनरशिप फर्स्ट कितना देना होगा? 66,000 पड़ेगा मात्र, 66,000 मात्र। हमारी अगली बाइक NS 160, जो कि डिमांडेड है, डिमांड गाड़ी। बाकी टायर देख लो नया। ये कौन से साल की हो जाएगा? ये 2021 का मॉडल है। ये कितना रनिंग होगी? ये रनिंग है, आप खुद देख लीजिए। आप ये भी दिखाइएगा, ये गाड़ी का रांची का नंबर है, किलोमीटर 6,138 चला हुआ है। 6,138 किलोमीटर। ओनरशिप क्या होगा? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इंश्योरेंस होगी? 5 साल का इंश्योरेंस है। कितना देना होगा 160 का? इसका 1,10,000 पड़ेगा। 1,10,000 में 160, 2021 का मॉडल, 21 का मॉडल है।
अब चलते हैं यहाँ पे देख लो, और भी एक्सट्रीम है ना ये? हाँ एक्सट्रीम है। बताइएगा हीरो की एक्सट्रीम है, न्यू लग रही है। इसका पड़ेगा 1,20,000 आपको पड़ेगा। कौन से साल की है? 2022 का। 22 का? हाँ देख लो, 22 का नंबर रांची का, ऑनर जो फर्स्ट होगी, टायर सही है। कीमत 1,20,000। 1,20,000 उसमें भी कम होगा? कम हो जाएगा। हमारी अगली बाइक डिमांडेड पल्सर 220। पल्सर 220 ये चेंज है भैया? हाँ वो चेंज, ये चेंज है। बताइए ये कौन से साल की होगी? ये 2019 का मॉडल है। 19 की? ये कितना रनिंग होगी? ये रनिंग है 17,000 किलोमीटर चला हुआ। 17,000 नंबर रांची, बाकी टायर देख लो सही है। ऑनर थी फर्स्ट? हाँ फर्स्ट गाड़ी। क्या देना होगा 220 का? 92,000 पड़ेगा आपको। 92,000 में पल्सर 220। हमारी अगली बाइक ये जिक्सर है जी, ये कौन से साल की होगी? 2018 का मॉडल है। 18 की, नंबर रांची का है। रांची नंबर है। टायर देख लो सही है। ये कितना चली होगी? ये चलेगी 19,000 किलोमीटर। ऑनर सी फर्स्ट? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना देना गालों पे? इसका पड़ेगा आपको 58,000। 58,000। हमारी अगली CBR, CBR 150 है, ये भी रांची नंबर है। कौन से साल की है? ये 2016 की मॉडल है। ये कितना रनिंग होगी भैया? ये चले हुए 23,000 किलोमीटर। ओनर से फर्स्ट? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना देना होगा CBR का? 58,000। 58,000 में भी कम होगी? कम हो जाएगा। हमारी अगली बाइक बहुत डिमांडेड है रांची में, बहुत सारे भाई पसंद करते हैं NS 200, और यही कलर पसंद है ज़्यादा। हाँ ये कलर ज़्यादा नंबर है, आ जाएगा जमशेदपुर का। बताएगा भैया कौन से साल की होगी? ये 2018 इंडिका। बता 19 का मान सकते हैं? मान सकते हैं। कितना चली होगी लगभग? ये चली हुई 14,000 किलोमीटर। ओनर से? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इंश्योरेंस होगी अभी? इंश्योरेंस इसका फेल है। फेल है। क्या देना होगा 200 का? 98,000 पड़ेगा। 98,000, 98,000 में NS 200 घर ले जाइए, उसमें भी कम होगा? कम हो जाएगा। अगली बाइक भी बहुत अच्छा है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन है, बहुत अच्छा। अगर आप लद्दाख वगैरह जाना चाहते थे बाइक झट से ले लेना, हिमालयन। बताइएगा भैया ये 2018 का मॉडल है। 18 की, ये कितना रनिंग होगी? ये चले हुए हैं, देखना पड़ेगा कितना चलेगी। 14,500 चला हुआ। 14,500। ऑनर से फर्स्ट? सेकंड ओनर गाड़ी है। सेकंड ओनर, जो लेंगे थर्ड बनेंगे? हाँ थर्ड बनेंगे। नंबर गिरिडीह? गिरिडीह नंबर है। क्या देना होगा इसका? इसका 1,20,000 पड़ेगा। 1,20,000 में हिमालयन, हिमालय मिल जाएगा। हमारी अगली रॉयल इनफील्ड बुलेट, बुलेट ये कितने सीसी की है? 500 सीसी का बुलेट है ये। इसका नंबर रांची का। बताइएगा कौन से साल की होगी? 2018 का मॉडल है। कितना चली होगी? ये चली हुई 20,000 किलोमीटर। 20,000। ऑनर से फर्स्ट? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या देना होगा इस? इसका 1,18,000 पड़ेगा। 1,18,000 में 500 सीसी घर ले जाएंगे। घर ले जाएंगे। अगली बाइक जावा हो जाएगी, इसका भी डिमांड अच्छा है मार्केट में। डिमांड जावा। कौन से साल की है अलग है? ये 2019 का मॉडल है। 19 की है। कितना चली होगी? ये चली हुई 28,000 किलोमीटर चलेगी। नंबर रांची का है। बाकी कुछ खर्चा होगा अलग में? कोई खर्चा नहीं, गाड़ी पर फुल। किसी गाड़ी में खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं। ऑनर सी फर्स्ट? फर्स्ट ओनर गाड़ी। क्या देना होगा जावा का? 1,15,000 पड़ेगा। 1,15,000 में जावा घर ले जाए। हमारी अगली ये एक्सट्रीम 200 है। हाँ इसका पड़ेगा 19 मॉडल है, इसका 68,000 रखे हुए रेंज। 2019 की 68,000 कीमत है। नंबर धनबाद। ऑनर फर्स्ट है ना? हाँ फर्स्ट ओनर गाड़ी। 68,000 में एक्सट्रीम घर ले जाए। हमारी अगली हो जाएगी पल्सर 150। इसकी ये तो न्यू लग रही है, ये पूरा फ्रेश गाड़ी है। कौन से साल की हो जाएगी? ये भी 2019 का मॉडल है। 19 का है, बाकी नंबर राशि का। कितना रनिंग होगी इसका? चला हुआ 14,000 किलोमीटर। 14,000। ऑनर शिप क्या होगी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या देना होगा इसका? इसका 62 पड़ेगा। 62,000। हमारी अगली FZ 250 है। 250 व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर में। नंबर रांची की है। रांची नंबर है। ये कितना रनिंग होगी? ये चले हुई 23,000 किलोमीटर। 23,000। ऑनरशिप क्या होगी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है। बाकी कीमत क्या रखी है इसकी? कीमत मात्र 66,000 में आपको FZ 250 मिल जाएगा। 66,000 में FZ 250 मिल जाएगा। खर्चा कुछ नहीं? कुछ नहीं खर्चा। हमारी आखिरी बाइक होगी आज की। हाँ आखिरी बाइक है NS 200। देख लो यार, दो दो 200 आपको दिखा रहे, एक 160 भी दिखाया मैंने। बताइएगा भैया नंबर धनबाद का, कौन से साल की हो जाएगी? ये 2014 का मॉडल है। 14 की है। कितना रनिंग होगी? ये रनिंग भाई है 28,000 किलोमीटर। 28,000। ऑनर से फर्स्ट? फर्स्ट ओनर गाड़ी। इंश्योरेंस होगी अभी? नहीं इंश्योरेंस है। 14 इंश्योरेंस फेल है। 2014 की। कितना देना होगा इसका? इसका 68,000 पड़ेगा। 68,000 में ये NS 200 आपका हो सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे जितने सारे बाइक थे मैंने देख लो, चाहे बुलेट की बात की जाए, हिमालयन, NS, CBR, जिक्सर 220, बाकी यहाँ पे मैंने ड्यूक भी दिखाया, 220 दिखाया, NS 160 दिखाया, और लोकेशन बता देता हूँ देख लो, वो सेम्पोर्ट हॉस्पिटल है, बगल में पेट्रोल पंप, बाकी ये लोकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे जितने सारे बाइक थे, आपको सबका डिटेल आलोक भाई ने बता दिया। अब कुछ बातें जानते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, चाहे फाइनेंस के बारे में बात हो, चाहे नाम ट्रांसफ़र के बारे में बात हो। आलोक भाई अगर नाम ट्रांसफ़र के लिए कितना चार्ज देना होगा लोगों को? 3,000 एक्स्ट्रा लगता है नाम ट्रांसफर। 3,000 रुपया नाम ट्रांसफर का चार्ज लगेगा। और पेपर कितना वक्त में लोगों को मिल जाता है? 3 महीना लेते।
अंदर दे देंगे, डेढ़ महीने में दे देंगे, दो महीने में दे देंगे, मतलब लगभग तीन महीना में पेपर मिल जाएगा 90 दिन के अंदर। बहुत बड़ा एक्सीडेंटल नहीं होगा, गाड़ी नहीं रखते हैं, टेम्परिंग नहीं होगा, क्लियर बता देते हैं, रिफंड वाले बता देते हैं, सेकंड ओनर वो भी बता देते हैं, लोग यहाँ गाड़ी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब जानते हैं रीफाइनेंस के बारे में, रीफाइनेंस के लिए प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे वो समझा देते हैं। फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, पासबुक लाना पड़ेगा, फिर चेकबुक लाना पड़ेगा, उसका फिर बैकग्राउंड चेक कर लेगा फाइनेंस, सिविल देखा जाएगा, सिविल देखने के बाद आपको मिल जाएगा। अब मतलब झारखंड के लोग सिर्फ ले सकते हैं, झारखंड के 100 किलोमीटर तक आपका रेंज है, तो आप यहाँ से रीफाइनेंस करवा सकते हैं, मतलब यहाँ से खूंटी वाले करवा सकते हैं, रामगढ़ वाले करवा सकते हैं, हजारीबाग वाले करवा सकते हैं, बाकी इधर लोहरदगा वाले इतने भी वाले लोग करवा सकते हैं। बाकी आप देख लेना, 100 किलोमीटर के अंदर आते हो तो रीफाइनेंस करा के यहाँ से गाड़ी आप ले लेना। हेलो भैया, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छा डिटेल दिया, आपसे पार्टी भी चाहिए मुझे, ठीक है, मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हो इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी चाहिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं किए तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हैं आप मेरे से। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलता हूँ बहुत जल्द किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।